गुड मॉर्निंग एवरी वन सो ये हमारा फोर्थ सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर यूजीसी का मैंडेटरी कोर्स है ओके साइंस सो फोर्थ सेमिस्टर में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर uh, है इज रिलेटेड टू इन्वाटल पोल्यूशन ओके सो आज हम लोग पोल्यूशन सीखेंगे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ एनवाटल पोल्यूशन ओके ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कैसे होता है उसके कौन-कौन से types हैं, okay? So there are the various types of pollution, okay? So everyone knows about the types of environmental pollution. There are the uh, depend uh, dependent depending on quality de uh, degradation, okay? So there are the air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, and uh, in uh, 21st century they have the uh, न्यू पोल्यूशन हमारे इन्वा uh, में इन्वेंट हुए लाइक बायो बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन देन न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेस्ट पोल्यूशन ओके देन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है ओके सो ऐसे बहुत से पोल्यूशन uh, हम लोग अभी देख रहे हैं ओके सो हम लोग अभी धीरे धीरे इन्वामेंटल पोल्यूशन के बारे में सीखेंगे ओके okay? फर्स्ट Uh, what is the meaning of environmental pollution? Okay, so environmental pollution means any physical, biological, and chemical component which degrade degrade the physical, chemical, and uh, biological properties. What is the meaning of uh, environmental pollution class? So environmental pollutions means any environmental pollution. What is इन्वायरमेंट uh, में जो फिजिकल uh, केमिकल जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं एयर वाटर और सॉइल की वो क्या किया जाता है उसमें डिग्रेड हो जाता है ओके थ्रू इन्वायरमेंटल पोल्यूटन पोल्यूटन की वजह से क्या होता है पोल्यूशन होता है ओके okay? सो so इसे हम लोग क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं ओके एनी कंपोनेंट एनी अः कंपोनेंट ओके और एनी हार्मफुल कंपोनेंट विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर सॉइल इज कॉल्ड एज ए इन्वयमेंटल पोल्यूशन ओके सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोल्यूशन है ओके या सो हम लोग यहाँ पे देख रहे की uh, या ये, ये, हम सब लोग जो क्वेश्चन मार्क दिया है ओके okay, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एयर uh, पोल्यूशन का इज अ बेस्ट पिक्चर एयर पोल्यूशन देन दिस वाटर पोल्यूशन ओके ओवर हियर की जो न्यूक्लियर uh, रिएक्टर्स uh, रहते हैं उसमें से बहुत सा जो हॉट वाटर रहता है ओके सो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जो हॉट वाटर कोल्ड वाटर क्या रहता है ओके okay, वो रिएक्शन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है So, जो हॉट वाटर है वो नदी में या जो स्ट्रीम्स रहते हैं उसमें क्या किया जाता है छोड़ा जाता है ओके ओके सो वजह से ये जो है okay? है फ्रॉग उनके ऊपर क्या होता है उसका इफेक्ट होता है सो so, इस पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया बताया इसके अलावा हम लोग अर्थ डे देन फॉरेस्ट डे वर्ल्ड इन्वाटल डे फिफ जिनको ऐसे okay? हम लोग मनाते हैं बट जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे हम लोग को सिर्फ जो पीछे का बैकग्राउंड है वैसे हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट्रीज के बैकग्राउंड का यूज करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस बैकग्राउंड के पीछे हम लोग क्या रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी करते जा रहे हैं ओके सो या सो ये पोल्यूशन सब हो रहा है फिर भी हम लोग क्या है काम है ओके okay, उसके ऊपर हम लोग कुछ इलाज नहीं ढूंढ रहे ओके okay, हम लोग बहुत से ऐसे प्लास्टिक देन प्लास्टिक रैपर्स यूज करते हैं ओके okay, उसके बाद वो फेंक देते हैं बट हम लोग को पता नहीं कि वो प्लास्टिक फाइनल उसका एंड क्या है ओके okay, सो हम लोग एक सिर्फ एक बार यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे फेंक देंगे हमारा काम हो गया ओके okay, सो वैसे नहीं चलता हम लोग को पता होना चाहिए कि उसका बॉन्ड प्रोसेस क्या है और एंड प्रोसेस क्या है Okay? So, लोग अभी हम लोग क्या करेंगे? Uh, pollution क्या है उसके ऊपर uh, आगे जाएंगे। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड दिस इज अल पोल्यूशन ओके सॉइल पोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके okay? मोस्टली जो मोबाइल में यूज होते हैं लिथियम आयन बैटरी इसके अलावा जो हमारे खेत है खेत में हम लोग क्या करते हैं वेरस फर्टिलाइजर इंसेक्टिस हम लोग यूज करते हैं बट वो उसकी जो कुछ आ, मात्रा है ओके okay, कंपोनेंट्स है ओके okay, पार्टिकल्स है वो सॉइल में जाते हैं फिर कंटिन्यूस उसका यूज करने के वजह से जो सॉइल की जो क्वालिटी रहती है वो क्या हो जाती है डिग्रेड हो, होती चली जाती है ओके okay? सो so, आज हम लोग क्या देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है उसके सोर्सेस कौन कौन से है ओके okay? Uh, वो कैसे होता है ओके okay. uh, उसके सोर्सेस कौन कौन से है ओके okay. वो कैसे डिग्रेड हो uh, हो रहा है डे बाय डे ओके वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट या सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्टली वी नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन क्लास ओके सो द एयर पोल्यूशन मीन्स द एनी उंड विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर ओके पोल्यूशन सिंपल डेफिनेशन है okay? और हम लोग क्या सीखने वाले है एयर uh, पोलूशन के कौन कौन से टाइप्स uh, है देन मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटन ओके देन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटन उसके बाद उसके कॉजेस क्या है ओके okay? उसके फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ओके इसके अलावा एयर पोल्यूशन के वजह से कौन कौन से एयर बॉर्न डिसीजेस होते हैं ओके okay? और उसका इफेक्ट अर्थ के ऊपर और हमारे ऊपर और जो हमारे इकोसिस्टम है उसके ऊपर कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट सो दीज आर दोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेड मेनली दे आर टू सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेड फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेड एंड द अनदर वन इज ए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पोलूटन वन नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोलूटन क्लास नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटन में मोस्टली कौन कौन से आते क्लास? Yes, आपके दिमाग में भी आया होगा कि नेचुरल uh, सोर्स उसमें वर्कैनिक इप्शन होगा देन नेचुरल वाइल्ड फायर्स रहेंगे इसके अलावा uh, जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है साइक्लोन एंटीसाइक्लॉन जो एक्टिविटी होती है वो भी उसमें आएगा तो हम लोग देखते हैं मोस्टली एट द एंड ऑफ समर मोस्टली अप्रैल और मे uh, मंथ uh, में मोस्टली जो ड्रायर एरिया है ड्राई एरिया महाराष्ट्र का और इंडिया का वहां पे आप लोग देखते हैं कि एक चक्रवात घूमता है बिकॉज ऑफ द हेवी एयर आप लोगों ने कुछ मूवीज में मूवीज में भी देखा होगा हॉलीवुड के कि टोर्नेडो ओके टोर्नेडो एक टर्म है उसके वजह से भी आप लोग देखते हैं कि इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट ओके देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट ओके सो उसमें कौन कौन से आते हैं uh, तो हम लोग देखेंगे कि वेरियस फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ओके वेरियस पावर प्लांट्स देन कार्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसके अलावा जो हमारा आ, खेती में एक बहुत बड़ा आ, पार्ट है आ, लाइव स्टॉक ओके उसके वहां पे भी क्या होता है जो मिथेन गैस है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है ओके सो so, फर्टिलाइजर्स है जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स रहता है वो क्या करते हैं एयर में जाते हैं तो वो भी एक कंपोनेंट्स uh, है सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट। फर्स्ट इज ए नेचुरल सोर्स एंड दीज आर दी आर्टिफिशियल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट ओके ये बेसिक डिफरेंसेस है या yeah. सो so, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और उसमें देखेंगे कि प्राइमरी uh, पोल्यूटेंट कौन कौन से है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट है उसके ऊपर आपको फाइनल एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा उसके पहले ये पोल्यूटेंट टर्म क्या है वो हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है ओके okay? क्योंकि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल्यूटन द पोल्यूटेंट इज नथिंग बट द एनी सब्टेंस विच कॉज द पोल्यूशन मीन पॉलटेंट के वजह से क्या होता है पोल्यूशन होता है ओके okay? सो so, अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एयर पोलटेंट सो दिस आर दी मेन टू टाइप्स ऑफ एयर पोलटेंट फर्स्ट इज अ प्राइमरी पोलटेंट एंड दीस आर दी सेकेंडरी पोलटेंट ओके फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ

आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स और इससे डायरेक्टली क्या हो रहा है सोर्स दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट ओके और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्लास सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है कि जो पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के वजह से जो फॉर्म होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं ओके सो द प्राइमरी पोल्यूटेंट आर कार्बन मोनोऑक्साइड ओके सीओ देन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ओके मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ओके एंड सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर उसे हम लोग पीएम पार्टिकल्स कहते हैं लाइक like, उसके भी टाइप से हम लोग आगे देखेंगे पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव

प्राइमरी पोल्यूटेंट ओके उन, उनके साथ रिएक्शन होने के वजह से क्या होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है फॉर्म होता है ओके सो सल्फर ट्राइक्साइड देन एच देन एस ओके सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ओके एस टू टू देन पैन पैन मीन्स पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट ओके इसके अलावा क्या है ओजोन ओके ओजोन भी क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है क्लास ओके क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ऑक्सीजन है आपको पता है ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन इज ए ओ बट ओ कैसे बनता है कि जो मोस्ट ऑफ दी जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं और मोस्टली जो क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स रहते हैं वो एयर में जाने के बाद वो क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन को है वो क्या करते हैं ब्रेकडाउन uh, करने के वजह से मिस जो ओ है उसको ब्रेकडाउन करने के वजह से फिर वो क्या बनता है ओ थ्री बनता है उसके रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे ठीक है सो आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटन एंड द सेकेंडरी पोल्यूटन ओके सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटन मिस अभी हम लोग ने देखा कि सोर्सेस कौन कौन से है नेचुरल सोर्स सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर्टिफिशियल कौन कौन से है उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ एयर पोलूटेंट देखे ओके ऑफ एयर पोलूटेंट अलग कंसेप्ट है और टाइप्स ऑफ एयर पोलूटेंट अलग कंसेप्ट है वो आपके ध्यान में आना चाहिए ओके okay? अभी हम लोग इफेक्ट देखेंगे कि एक्चुअली एयर पोल्यूशन के वजह से कैसे इफेक्ट होता है ओके या सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये uh, ह्यूमंस uh, है और इसके ऊपर एयर पोल्यूशन का कैसे इफेक्ट हो रहा है ओके सो मोस्टली जो मैंने थोड़े देर पहले पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ओके सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर वो क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर मीन्स उसे हम लोग क्या कहते हैं इन मराठी मराठी मध्य अपन धूलिकन मन तो जो मिट्टी मिट्टी रहती है ओके उसमें जो छोटी सी एकदम स्मॉल वाली जो मिट्टी रहती है उसे हम लोग क्ले कहते हैं ओके उससे भी जो छोटे पार्टिकल्स उसे हम लोग क्या कहते हैं पर्टिकुलर मैटर्स कहते हैं ओके मोस्टली जो टूटा हुआ घर है उसमें, लो है, है, उसमें आप लोग ने देखा होगा कि एक सन का रेज आ रहा है और उसमें हम लोग देखते कि छोड़े -छोड़े छोटे 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 पार्टिकल्स रहते हैं ओके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव है और जब आपको चौक से टीचर जब आपको पढ़ाता है ओके और जो जो पार्टिकल्स आप लोग वहां पे देखते हैं हैं कि जो डस्टर्स को लगे हुए और नीचे जो गिर रहे हैं वो क्या है पर्टिकुलर मैटर टेन है ओके अगर आप टू व्हीलर से एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं और रोड पे मिट्टी है ओके तो आप लोग देखते हो कि विजिबिलिटी क्या होती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर मैटर ओके ओके आप लोग ने अभी देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा फॉग आता है ओके okay? uh, ये क्यों होता है क्लासिया uh, अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से पुणे में अगर आप लोग uh, मनपा से वागुली तक आप सफर कर रहे हो, ओके, okay? मिस ट्रैवलिंग्स जा रहे हो बाय टू व्हीलर तो आप लोग को देखने को मिलता है कि उस एरिया में विजिबिलिटी क्या है कम है बिकॉज वहां पे जो रोड है वहां पे आप लोग देखते हो कि पर्टिकुलर मैटर्स का जो पॉपुलेशन uh, है ओके पॉपुलेशन मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है ज्यादा है okay? और ये क्या करते हैं जो, जो है, तो है, है? है. okay? कर, और कुछ स्कैटर uh, करने के वजह से जो सनलाइट है वो जमीन पे नहीं आ पाती उसके वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है इसके अलावा जो Uh, जो हीट चाहिए होती है अर्थ को वो क्या होती है कम होती चल जाती है और उसके वजह से हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या होती है ठंड भी देखने को मिलती है को so, रिलेशन uh, हम लोग इसमें देखते हैं ओके नेक्स्ट द पीएम पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर इज बिलीव टू इफेक्ट द ऑफ अर्थ जो से मैंने आपको बताया कि कूलिंग द अर्थ ओके अर्थ uh, को कुछ पैमाने पे uh, जो वाम रखने की जो प्रोसेस है वो uh, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्लास बिकॉज़ कॉन्सेंट्रेशन तक ग्रीन हाउस गैसेस दिस पर्टिकुलर मैटर आर गुड फॉर अर्थ बट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट अर्थ के ऊपर हो जाता है मिस अभी बेसिक एग्जाम्पल ले लो क्लास अगर हम लोग को तीन चपाती जा रही है खाने में ओके। और उसके अला उसके बदले अगर हम लोग को छह चपाती दी जाए तो हम लोग को जाएगी नहीं जाएगी वो क्योंकि उसका अगर हम लोग ने खा भी लिया तो इसका इफेक्ट हमारे जो इंटेस्टाइन है ओके पेट है पेट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा ओके और यहाँ पे आप लोग देखते हो कि सेम अर्थ का भी वैसे ही होता है द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ एंड दस इट में इफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट अभी हम लोग uh, uh, बात की है हम लोग uh, एक बार तो लेक्चर हम लोग लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल क्लाइमेट होता कैसा है ओके इसके अलावा हम लोग ने देखा था की थर्ड पॉइंट सल्फर डाइऑक्साइड ओके मोस्टली जो सल्फर डाइऑक्साइड जो अः uh, गैस है क्लास, वो अः uh, हमें जो थर्मल पावर प्लांट है ओके जिसके वजह से अभी हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ओके, थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि जो कोल है उसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओके और उस जब इलेक्ट्रिसिटी बनता है बट उसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है एटमोस्फेयर हो में चला जाता है ओके बट दिस सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो कैसे तो अभी हम लोग देख रहे हैं ओके सो सल्फर डाइऑक्साइड एक थर्ड पॉइंट आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज द इरिटेशन ऑफ आइस इरिटेशन ऑफ आइस इसके अलावा uh, सर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है आर दी मेन हम लोग कॉजेज भी कहते हैं कि उसके वजह से जो है उसके वजह से क्या होता है फॉर्म होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से उसका रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ वो हम लोग आगे देखेंगे ओके या मैंने फोर्थ पॉइंट में देखा भी है आ, दिखाया भी है आपको कि आ, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके वजह से एसिड होता है और जो हमारे ओके लाइक ताजमहल है आगा खान पैलेस है हमारा पुणे का शनिवारवाड़ा है ओके देन सदर्न इंडिया में बालाजी uh, टेम्पल है ओके देन उड़ीसा में हम लोग देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल है गुजरात में हम लोग देखते हैं सोमेश्वर टेम्पल है सो so, ये जो हमारे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स है कुतुब मीनार है सो एसिड रेन के वजह से कोरोजन एक्टिविटीज क्लास बढ़ जाती है सो so, ये इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के वजह से और जो पोल्यूटेंट है उसके वजह से ही पोल्यूशन होता है आपको तो मैंने अभी बताया इसके अलावा ये जो एसिड रेन है क्लास इस एडवर्सली इफेक्ट ऑन नॉट ओनली द नेचुरल सॉरी मॉन्यूमेंट्स बट आल्सो एग्रीकल्चर क्रॉप फॉरेस्ट एंड जब एग एग है क्लास, तो इसका एग्रीकल्चर तो होगा? होगा इसके अलावा फॉरेस्ट के ऊपर होगा ओके okay. और अगर एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा प्रोडक्शन कम होगा अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा क्लास की जो जो प्राइसेस है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की वो बढ़ जाएगी और वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स अगर ज्यादा पैसों में अगर cities में आए तो उसका क्या होगा कि हम लोग को जो सब्जी है उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और ज्यादा पैसे देने की वजह से क्या होगा क्लास इन्फ्लेशन जो हम लोग महंगाई कहते हैं उसको ओके वो बढ़ जाएगी अगर ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा तो द वैल्यू वैल्यूज ऑफ जो रुपी है वो क्या होगी नीचे 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 आएगी सो so, आप लोग देख रहे हो कि पोल्यूशन का इकोनॉमी के साथ भी कैसे कोरिलेशन है ओके okay? और ये कोरिलेशन समझना प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास क्योंकि हम लोग हम लोग को तो ये पता है कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट uh, क्या है कॉजेस क्या है बट उसका इकोनॉमी के ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा है ओके okay. उसका सोशल इश्यू पे कैसे इफेक्ट हो रहा है उसका जो आ, हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा है ओके okay. पोल्यूशन का मिस का, वो हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है ओके या सो वैसे ही हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग ऐसे लेक्चर्स ओके okay? कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है क्लासेस में ओके या सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हाईली इंजुरियस टू प्लांट ओके सो प्लांट के ऊपर बहुत ओ, आ, उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है ओके okay? इसके अलावा आ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर उसका आ, हम लोग ने ज्यादा रेस्पिरेशन प्रोसेस तो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में वो रहा तो उसका क्या होता है क्लास एक कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे आ, जो ब्लड है उसके ब्लड में चला जाता है इज अ कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ओके एंड इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ओके सो द उसके वजह से क्या होता है कि अगर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड ब्लड की वो कम हो गई सो so, ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू दॉडी सेल सो उसके ऑक्सीजन जो जो चाहता है अभी तक सुना होगा कि uh, जो ओजोन जो गैस है इज ए इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्मुल यूवी रे ओके यू जो यूवी रे जो रहता है अल्ट्रावायलेट रे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर स्टेटोस्पियर में है ओके okay? ट्रोपोस्पियर के बाद जो आता है स्टेटोस्पियर उसमें है बट जब ये जमीन पे आते हैं अर्थ पे आते हैं तो ये यूवी रेस को एब्सॉर्म करने का काम ओजोन करता है बट ये जो ओजोन है अगर ट्रोपोस्पियर में आ जाए तो वो क्या है हार्मफुल गैसेस है ओके अगर वो स्टेटोस्पियर में है सेकेंड लेयर में है तो दिस आर दी गुड गुड गैसेस बट अगर वो नीचे आ जाए ट्रोपोस्फीयर में सो तो इसका इफेक्ट होता है इसके ऊपर क्रॉप्स के ऊपर सो तो इससे क्या होती है जो क्रॉप यिल्ड है वो रिड्यूस होती चली जाती है ओके सो दिस आर दी इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन और यहां पे आप लोग देख रहे हो कि कैसे इफेक्ट होता है ओके okay? व्हीकल से इनहेलेशन प्रोसेस पे ह्यूमंस uh, के इफेक्ट होता है इनजेक्शन जब अगर जो पोल्यूटेड वेजिटेबल्स है आ, अगर वो खाने में आ जाए तो थ्रू इंजेक्शन मीन खाने में आ जाए तो उसका इफेक्ट भी हेल्थ के ऊपर होता है सो so, इसके अलावा स्ट्रेस ओके जब हम लोग व्हीकल से जा रहे हो तो और पर्टिकुलर मैटर्स आजू बाजू में हमारे ट्रैवलिंग थ्रू है सो so, उसका इफेक्ट भी हमारे इरिटेशन ऑफ आइस सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ने देखा था यहाँ पे कि इरिटेशन ऑफ आइस करता है ओके okay? इसके अलावा अगर पर्टिकुलर मैटर ज्यादा है ओके सो कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा ज्यादा अर्थ के ऊपर ओके, okay, इसका इफेक्ट भी क्या होगा ह्यूमंस के ऊपर होगा एज वेल एज वाइल्ड लाइफ के ऊपर होगा सो so, ऐसे बहुत से इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट के वजह से एयर पोल्यूशन के वजह से होते चले जाते हैं ओके या नाउ नेक्स्ट ओके सो अभी हम लोग देखेंगे कि uh, इसके वजह से कौन कौन से एयर एयरबोर्न डिसीजेस फॉर्म होते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या है ओके सो एयर पोल्यूशन के वजह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक फोटोज यहाँ पे अटैच किया है ओके सो द इरिटेशन ऑफ आईज नॉइज एंड थ्रोट एज वेल एज कफिंग पेनफुल ब्रीथिंग ओके कफ होता है इसके अलावा स्किन इरिटेशन ओके इसके अलावा जो हमारा है, ओके, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन सबसे इम्पोर्टेंट है ओके okay? और अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाए तो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन uh, की जो लेवल है वो धीरे धीरे कम करता है ओके okay? इसके अलावा आप लोग देखते हो कि इट रिड्यूसेस द लंग फंक्शनिंग एज वेल एज इज इरिटेशन ऑफ वॉइस नॉइज ओके सो यहाँ पे आई डालना में भूल गए नॉइज ओके माउथ एंड थ्रोट प्रॉब्लम वेल अटैक्स ओके इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है रेस्पिरेटरी एज ब्रोंकाइटिस आप लोग देखते हो कि जहाँ पे सर्मर पावर प्लांट है नकला उसके आजू बाजू में नहीं तो जहा पे इंडस्ट्रीज है ओके एम आई ओके okay. आप लोग वहां पे देखते हो कि उसके नजदीक वाले गांव के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट होता है ओके okay. सो so उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स भी आते हैं उसके उसमें बहुत से ऐसे लोगों की क्या हो रही है धीरे धीरे डेथ होती जा रही है ओके सो दीज आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन डिसीजेस ओके सो दिज आर नाउ नाउ अभी हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से कॉजेस है इम्पैक्ट है अभी हम लोग देखेंगे कि एयर पोल्यूशन हम लोग कैसे धीरे धीरे कम करें, ओके okay? अभी कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ओके okay? हम लोग कैसे कम करेंगे ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यूज अटेबल फ्यूएल ओके जो हम लोग फसल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक सुटेबल फ्यूल यूज कर सकते हैं लाइक जो हम लोग अभी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तरफ जा रहे हैं ओके okay. या हम लोग देख रहे हैं सीएनजी सी के ऊपर जो बसेस जा रही है ओके okay. उसका हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसके अलावा वन और टू किलोमीटर हम लोग को जाना है किसी काम के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं चल के जा सकते हैं या हम लोग हम हमारी जो साइकिल है ओके okay, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसके अलावा जो वेरियस इंडस्ट्रीज जहां पे लोकेटेड है एग्जांपल साकन ले लो चाकन एरिया ओके okay. साकन के बाजू में हम लोग क्या कर सकते हैं अफोरेस्टेशन प्रोग्राम रिफोरेस्टेशन प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं कि Uh, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे ओके okay? और उसका इफेक्ट भी क्या होगा कम होगा ओके okay? इसके अलावा हम लोग वेरियस इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे ओके टू कंट्रोल द पर्टिकुलर मैटर लाइक दे आर दी टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट द फर्स्ट इज एरेस्टर्स एंड द सेकंड वन इज ए स्क्रबर्स ओके दिस बोथ इक्विपमेंट्स are useful to to remove the particulate uh, pollutants. Okay, Okay, so so what is is and scrubbers? means it used separate क्या करते हैं है पर्टिकुलर मैटर्स को जो उसमें उस से जो पर्टिकुलर मैटर्स को है, क्या करते हैं सेपरेट करते हैं so, हम लोग क्या कहते हैं

एयर पोल्यूशन धीरे धीरे कम कर सकते सो दीज आर दी अरिस्टेंस ओके जो सेपरेट करता है पर्टिकुलर मैटर को एयर से ओके okay? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से एयर अंदर जा रही है और यहाँ पे आ, जो एयर है वो वहां पे सेपरेट होगी ओके बैग केज और फिल्टर बैग से और यहाँ से आपको क्लीन एयर बाहर जाती देखने को मिलेगी इसके अलावा जो स्क्रबर्स है स्क्रबर भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में यूज किया जाता है टू जो वेट कंपोनेंट है और ड्राई कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने के लिए सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि साइक्लोनिक एक्टिविटी वहां पे की जा की जा रही है और इसके अः बदौलत जो एयर है वो नीचे बैठ जाएगी और यहाँ से लीनियर बाहर जाएगी इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो कि आ, कुछ जो फोर व्हीलर है और टू व्हीलर है उसमें हम लोग देखते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर ओके एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है क्लास इंजन के नजदीक लगाया जाता है सो so,

नाइट्रोजन uh, ऑक्साइड के डाइऑक्साइड के वजह से होता है एटमॉस्फेयर में ओके? Okay? वो कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर क्या किया, किया जाता है यूज किया जाता है ओके? एयर पोल्यूशन सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास? कि इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं प्लांटेशन uh, कर सकते हैं ट्रीज का ओके रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ओके नहीं तो हम लोग को ये जो इमेज देख रहे हो आप फ्यूचर में ऐसा हम लोग को नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि आ, आप हम सब लोग को पता है कि ऑक्सीजन तो आ, नेचर में ट्रीज के वजह से ही हम लोग को आ, जो एटमॉस्फेयर में जो ट्वेंटी वन परसेंट जो ऑक्सीजन है ओके ट्वेंटी पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट ओके सो so, किसके वजह से है? वो ट्रिस के वजह से अगर हम लोग ने ज्यादा डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी की सो so, उसका इफेक्ट वो किसके ऊपर होगा के ऊपर होगा जो वाइल्ड लाइफ है जो बर्ड्स है है देन मैमल्स ओके उसके ऊपर इफ, उसका इफेक्ट होगा सो so, हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कर सकते ओके okay? अगर आपको पॉसिबल नहीं है कि कहा पे आप लोग जाए तो आप क्या कर सकते हो कि घर में ही जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसको रिसाइकल करके आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो छोटे प्लांट्स लगा सकते हो कि जिससे जो आपका इंडोर एयर क्वालिटी है वो क्या हो अच्छा हो ओके okay? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने क्या किया है इंडोर एयर क्वालिटी सुधारने के लिए रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकलिंग जो फॉर्मूला है जो हम लोग दसवीं बारहवीं डिग्री तक सीखते हैं ओके? उसको यूज किया है ओके सो so आप आप इसके अलावा बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जिसके वजह से क्या क्या किया जाता है कि आ, जो वेरियस प्रोग्राम से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी मिनिस्ट्री है इंडियन मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करते हैं उसमें सबसे एक आ, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओके उन्होंने और मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोग्राम बनाया उस उस प्रोग्राम की ये प्रोग्राम किसके रिलेटेड था क्लास टू आ, जो हमारी एयर क्वालिटी है वो और अच्छी कैसे इंप्रूव की जाए इसके लिए ओके okay? सो उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम उससे हम लोग नैम प्रोग्राम कहते हैं उसका एक सब डिविजनल ऑफिस हमारे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में है एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में ओके सो रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर ओके अभी रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर क्या है क्लास ओके okay? सो so, इससे क्या होता है हो जाता है क्लास कि जहां पे uh, ज्यादा जो व्हीकल है उसकी मूवमेंट है वहां पे ये जो रेस्पिरेबल डस्ट सैम्पलर है वो वहां पे बिठाया जाता है ओके okay? और उससे हम लोग को पता चलता है कि वहां की एयर क्वालिटी क्या है ओके ओके सो ए रेस्पिरेबल डस्ट है okay? इसके अलावा आप लोग मोस्ट ऑफ दी शिवाजी नगर एरिया uh, करवे uh, करवे नगर इसके अलावा स्टॉप ओके बहुत ओके वहां पे आप लोग देखते हो कि एक ऐसा स्क्रीन लगाई हुई है और वहां पे आप लोग देखते हो इसके अलावा ये भी एक टेबल्स रहता है कि जिससे हम लोग को पता चले कि हमारे सिटी की एयर क्वालिटी क्या है ओके सो दिज आर दी इम्पोर्टेंट चार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स ओके जीरो से फिफ्टी uh, अगर क्वालिटी हो तो इज अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर 51 से 100 हो तो मॉडरेट ओके okay? उसके अलावा अगर uh, 151 से 200 हो तो इज अ अनहेल्दी फॉर ह्यूमंस एंड अनदर एनिमल्स ओके और इसके अलावा अगर वो 300 से 500 पीपीएम हो तो इज अ हजार्डस ओके उससे हम उसमें हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते सांस नहीं ले सकते फिर भी ये जो एयर क्वालिटी है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है ओके okay? और वहां के जो लोग हैं, उनके ऊपर उसका बहुत बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है इम्पैक्ट हो रहा है ओके? सो so ये जो नेशनल क्वालिटी इंडेक्स है, वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ओके उन्होंने अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया 14 सिटीज है ऐसे इंडिया की उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती चली जाती है ओके सो so, सो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पोलूशन टॉपिक और uh, सबसे एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्यूचर ऑफ अवर मदर अर्थ हमारी मदर अर्थ कौन सी है तो अर्थ है फ्यूचर ऑफ मदर अर्थ इज इन अवर हैंड ओके अगर हम लोग जो हम लोग सब लोग जो युवा लोग है ओके डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है ओके डेमोग्राफिक डिवाइडेंट ओके तो उनके हाथों में ये जो जो हमारी मदर अर्थ है अर्थ है उनका उनका प्रोटेक्ट उसको प्रोटेक्ट करना ओके नॉट ओनली प्रोटेक्ट करना वो उसका ऐसे यूज करें हम लोग कि जो हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेस वो हम लोग को उनको बचाना बहुत जरूरी है ओके सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा द फ्यूचर ऑफ अवर मदर इज इन अवर हैंड Okay. So okay. so जिए उसको रिय रियलाइज कीजिए और इंप्लीमेंट भी कीजिए ओके सो थैंक यू क्लास टुडे वी स्टॉप विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू अ गुड डे